रोमांटी रोमांटी कहाँ हो आप? हाँ बोलो, क्या हुआ गप्पी? आंटी मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, अपने दोस्तों को एक चिट्ठी भेजनी है, क्या आप मेरे साथ चलोगी? हाँ जरूर। मम्मी मुझे भी जाना है। हाँ हाँ चलो सब साथ चलते हैं। अरे वाह, देखो चुटकी अपने बाल कटवा रही है नाई की दुकान में। मुझे भी कटवाने हैं अपने बाल, थोड़े बड़े हो गए। पहले ये चिट्ठी पोस्ट कराते फिर आकर कटवाएंगे बाल। अरे गार्ड चाचा, आप यहाँ? मैं तो यही काम करता हूँ, इसी बैंक में। ये बैंक है, यहाँ पर क्या होता है गार्ड चाचा? यहाँ पर लोग अपने पैसे जमा करने आते हैं ताकि उनके पैसे सुरक्षित रहे। और पता है बच्चों, यहाँ पर मेरे और मेरे ही तरह कई सारे लोगों की तनख्वाह भी जमा होती है। आप तो फिर बहुत बड़ा काम करते हो गार्ड चाचा, हम सबके पैसे सुरक्षित रखने का काम। अच्छा बच्चों, अब चलो गार्ड चाचा को अपना काम करने दो। बाय बाय चाचा। लो आ गया तुम्हारा पोस्ट ऑफिस, अब जाओ उस लेटर बॉक्स में अपनी चिट्ठी डाल दो। मैं अभी आया रोमांटी। गप्पी वहाँ देखो, हमारी हिंदी टीचर। अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? मेरी मासी इसी अस्पताल में भर्ती हैं, बस उन्हीं से मिलने यहाँ आई हूँ। अब कैसी है आपकी मौसी? अब बेहतर है, दो तीन दिन में घर भी जा सकती है। मम्मी जब चुटकी को चोट लगी थी तो उसे भी हम ऐसे ही एक अस्पताल में लेकर गए थे ना, जहाँ डॉक्टर आंटी ने उसे दवाई दी थी। हाँ मटरू। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय मैडम। मम्मी मुझे पार्क जाना है। चलो चलते हैं फिर। गप्पी चलो हम झूला झूलते हैं। अरे स्माइली, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर में नमक और चीनी खत्म हो गई है, वही लेने किराने की दुकान में जा रही हूँ। चलो स्माइली, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ स्वादिष्ट चॉकलेट खाने को मिल जाए। आंटी मुझे नमक और चीनी देना। और मेरे और मटरू के लिए एक चॉकलेट। चलो अब घर चलते हैं। वो देखो हमारा स्कूल, कितना बड़ा ताला लगा है वहाँ। आज संडे है ना, इसीलिए बंद है। वैसे गप्पी, आज पोस्ट ऑफिस जाने के बहाने हमने पूरा पड़ोस घूम लिया। हाँ सच में मजा ही आ गया। तो दोस्तों, आपके पड़ोस में क्या क्या है? आपको कहाँ जाना सबसे ज्यादा पसंद है? किराने की दुकान, स्कूल या पार्क? क्या आप भी कभी बैंक या अस्पताल गए हो? इस बारे में सोचिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताइए। आज चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक मजेदार कहानी के साथ।